गुजरात विधानसभा चुनाव की और चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हुआ। सीनियर ऑब्जर्वर सीएम अशोक गहलोत ने ये घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कई बिंदु समाहित थे और खासतौर पर 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, 300 यूनिट घर की बिजली मुफ्त होना, इसके अलावा युवाओं को नौकरी मिले तक 3000 रुपए भी देना, भत्ते के तौर पर किसान को कर्ज माफी, बिजली का बिल माफ, आदिवासियों के लिए PESA कानून लागू करने का भी इस मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में वादा रहा। साथ ही उन्होंने यानी कि कांग्रेस ने पारसापी योजना पर श्वेत पत्र जारी करने का भी वादा किया। ये तमाम वो सारे मुद्दे जो कि कई समय से लंबित भी पड़े थे और जब होमवर्क किया गया गुजरात के विधानसभा चुनाव और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इन मुद्दों की जो जरूरत है वो महसूस हुई और कई दिनों के होमवर्क के बाद भी फिर अंततः जब घोषणा पत्र आज जारी हुआ तो उनमें इन बिंदुओं को संकलित किया गया। साथ ही हर गुजराती को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, किडनी हार्ट ट्रांसप्लांट मुफ्त, ये राजस्थान की तर्ज पर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज उस तरह से चिरंजीवी योजना है। किडनी और हार्ट का ट्रांसप्लांट मुफ्त होना, सरकारी और अर्ध सरकारी स्थानों पर युवाओं को रोजगार देने का वादा, प्राइमरी से PhD तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा, ये बहुत बड़ी बात क्योंकि प्राइमरी कक्षा से PhD तक यानी कि हायर स्टडीज तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा हो, और सभी राज्यों की तरह राज्य के टैक्स में तत्काल 20% की कटौती का भी वादा किया। ये तमाम वो सारे बिंदु रहे जिसके आधार पर अब विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस सामने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है लेकिन फिर भी अपनी प्रतिद्वंदिता साबित करने की कोशिश कर रही है, तमाम वो सारी चीज़ें जो कि देखना ये होगा कि किस तरह से लोगों के वोट में तब्दील गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान हो पाएगी। तो गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी आज हुआ। सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र जारी करने के बाद मीडिया से भी सीएम अशोक गहलोत रूबरू हुए। कहा कि राजस्थान में हमने चुनाव जीतने के बाद में कैबिनेट में मैनिफेस्टो रखा और उसे कैबिनेट में पास भी करवाया गया। मैं 3 बार सीएम बना और 3 बार कैबिनेट में मैनिफेस्टो रखा। राहुल गांधी ने भी कहा कि जनता से पूछकर घोषणा पत्र जारी किया जाए। कोरोना के मैनेजमेंट में गुजरात सरकार फेल रही, यहां कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, उस समय का जिक्र उन्होंने किया और ये कई समय से इस मुद्दे को लेकर मुखर होते हुए वो मीडिया के सामने बात पहले भी रख चुके हैं कि जिस तरह से कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री को भी बदल दिया गया था। सवाल उनका यही था कि क्या सारे मंत्री जितने भी विभागों से जुड़े हुए अधीनस्थ लोग थे वो सभी नाकारा थे क्या उस समय। साथ ही उन्होंने कहा मीडिया से बातचीत के दौरान कि सरकार बनने के बाद एक अलग कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी मैनिफेस्टो के ऊपर ही काम करेगी। एक कमेटी बाकायदा इसके लिए बनाई जाएगी जो कि घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो के ऊपर काम करेगी, जनता तक कितनी योजनाएं पहुंच पा रही है और सभी का क्रियान्वयन कितने फीसदी हो पा रहा है। साथ ही कहा कि हमने जनता की राय पर ही इस मैनिफेस्टो को डिजाइन किया है, तैयार किया है। हमने गुजरात के भविष्य को देखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश में तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हवा चल रही है। साथ ही कहा कि यहाँ पर भी कर्मचारियों में गुस्सा है लेकिन उसके अंदर भय भी है। उन्होंने कहा कि गुस्सा तो है वो इस चीज से क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वो भी इस चाह को रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर इस चीज को लेकर एक डर भी है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि एक दिन आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। कल वित्त मंत्री ने भी कहा कि हम NPS का पैसा नहीं लौटाएंगे लेकिन जो अब तक किश्तें जमा हुई है उसका क्या होगा, ये तमाम वो सवाल भी आज घोषणा पत्र जारी करने के बाद उन्होंने दागे। साथ ही कहा कि उस पैसे पर केंद्र सरकार का अधिकार कैसे हो सकता है जो NPS का पैसा है। तमाम सारी चीजें आज मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कि गुजरात विधानसभा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर है उन्होंने कही। तो अहमदाबाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह से मीडिया के सामने मुखर होकर अपनी बातें रखी उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी इन बातों के जरिए साधा। गुजरात में कांग्रेस का घोषणा पत्र चूंकि आज जारी किया उन्होंने और उसके बाद भी सीएम अशोक गहलोत बोले, कहा सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदला गया, स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया लेकिन यदि स्टेडियम पर नाम ही रखना था तो नया क्यों नहीं बनवाया गया, देश में कहीं भी इससे बड़ा स्टेडियम बनवा सकते थे। अभी गुजरात में आंधी चल रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्होंने इस चीज को कार्यकर्ताओं तक भी एक मैसेज पहुंचाने के जरिए ये बात कही कि गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है वैसे गुजरात में भी इस बार बदलाव की आंधी चल रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति और ऊर्जा का काम ये चंद लाइनें कर सकती है।
आप यहां पर आज गांव में छिपती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद यहां आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में अपना कैंपेन भी विड्रॉ कर लिया। कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के उनका यही कहना था कि त्रिकोणीय मुकाबले की बात जहां की जा रही है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी यहां चुनावों में सिर्फ और सिर्फ अगर काम कोई करेगी तो समीकरण को बिगाड़ने का करेगी। कांग्रेस आलाकमान का महत्वपूर्ण फैसला आया। मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े सूत्रों ने संकेत इस बारे में दिए। गहलोत की ओपीएस स्कीम को सभी राज्यों में लागू करने के संकेत दिए हैं। पार्टी गुजरात और हिमाचल में पहले ही इसको लेकर मुख्य मुद्दा बना चुकी है और मैनिफेस्टो में उस चीज का जिक्र भी हुआ, और इसी तर्ज पर पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा ओपीएस स्कीम रही। राजस्थान की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाए। आज सीएम अशोक गहलोत ने जब अहमदाबाद में चुनावी घोषणा पत्र यानी कि कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया और वहां भी ओपीएस को मुद्दा बनाया। उससे पहले भी जब कैंपेनिंग कर रहे थे, जब जनसभाएं कर रहे थे, तो उस ओपीएस के बारे में उन्होंने जानकारी दी और किस तरह से वो फायदेमंद साबित हो सकता है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात राजस्थान के तर्ज पर रखी थी। हिमाचल में भी प्रियंका ने ओपीएस को शामिल किया मुख्य रूप से घोषणा पत्र में, लेकिन अब आने वाले चुनावों में भी ओपीएस बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि इसकी मांग केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों से की जा रही है कि ओपीएस को लागू किया जाए, क्योंकि कहा जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ओपीएस के जन्मदाता। तो ऐसे में फिर से आलाकमान के इस फैसले पर एक ही मैसेज है कि राजस्थान में 2023 का चुनाव सीएम अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी ओपीएस मुख्य मुद्दा रहेगा जिसके जन्मदाता खुद सीएम अशोक गहलोत हैं। तो फिर आखिर क्या होगा पायलट कैंप की मांगों का, क्योंकि जो मांगे बीच बीच में निकलकर सामने आती है पायलट गुट की ओर से, उन मांगों का आखिर क्या होगा जिस कुर्सी के सवाल के ऊपर लगातार कभी तनातनी हो जाती है और कभी फिर उसके बाद में हल्की फुल्की विद्रोह की जो बातें हैं वो सामने आती है। बगावती सुर अपना लेते हैं विधायक, लेकिन फिर मीडिया में बयानबाजी शुरू होती है। तो फिर क्या धारीवाल महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का मुद्दा भी ओपीएस के इस शोर में आने वाले दिनों में दब जाएगा। न्यूज ब्लास्ट में महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का पांचवा दीक्षांत समारोह। सीतापुर स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित आज हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने छात्रों को डिग्रियां और मेडल्स इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों को भी दीक्षांत समारोह के दौरान पुरस्कृत किया गया और उनका संबोधन भी आज बेहद खास रहा, क्योंकि अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीयता रखता है। दुनिया भर में हमारे डॉक्टर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। ये पेशा मानव सेवा का पेशा है जिसे हम सभी को समझना होगा। साथ ही कहा कि मानवीय संवेदना से इलाज किया जाएगा तो मरीज जल्द ही अच्छा हो जाएगा। मेडिकल साइंस में अभी और प्रगति होनी चाहिए, यानी कि जो प्रगति की और संभावना है वो मेडिकल साइंस की इंडस्ट्री उस फील्ड में भी अभी बरकरार है। कहा साथ ही में कि भारत में और इनोवेशन हो, ये पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है। वो खुद चाहते हैं कि और ज्यादा इनोवेशन भारत में खुद के हो पाए। कोरोना काल के बाद में मेडिकल क्षेत्र पर और भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जरूरत उस समय सभी को भली भांति समझ आई थी कि कितनी फैसिलिटीज की और ज्यादा जरूरत है, कितना वृहद इस इंडस्ट्री को किया जाना चाहिए। क्योंकि जब मानव सेवा की बात आई तो फिर मेडिकल ऑफिसर्स और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर आगे बढ़कर काम किया था। बदलती जीवन शैली की वजह से रोग बढ़ रहे हैं, निजी मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च सेंटर खोलने की भी आवश्यकता है। निजी रिसर्च सेंटर खोलने की है जिससे लोगों को आसानी से ट्रीटमेंट मुहैया हो पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राजस्थान मेडिकल टूरिज्म का सेंटर भी बनेगा, उसमें विज्ञान तकनीक हमेशा से गतिशील होती रहेगी। चिकित्सा अपनी जगह है, लेकिन इलाज में मानवीय संवेदना यानी कि ह्यूमन इमोशंस भी होने चाहिए, इससे मरीज जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी लोकसभा चुनाव? क्या 2024 में लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ने वाली है? सरह के संकेत, क्योंकि सूत्रों के अनुसार प्रियंका लड़ सकती है राजस्थान से लोकसभा चुनाव। क्या राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर सीट से वो चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? क्योंकि पहले प्रियंका के पास में राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनने का ऑफर एक समय पर था, लेकिन प्रियंका ने उस समय लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया था और अब लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में वो तस्वीर जो कि पहले छूट गई थी वो अब पूरी होती हुई नजर आ सकती है।
गांधी परिवार और गहलोत से चर्चा करने के बाद में अंतिम फैसला इस पर होगा, क्योंकि बातचीत यहां पर गांधी परिवार के साथ भी संबंध में होगी किस तरह से, क्योंकि अगर चुनाव के दौरान उम्मीदवारी वो पेश करती हैं लोकसभा चुनाव के दौरान टोंक सवाईमाधोपुर सीट से, तो फिर जीतने की कोशिश पूरी रहेगी पुरजोर, और किस तरह से पहले से ही माहौल इस संबंध में बनाया जाए इसकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास होगी। तो कुल मिलाकर के गांधी परिवार से और सीएम अशोक गहलोत से चर्चा होगी, एक लंबे डिस्कशन के बाद में इस बात पर, इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सामने आएगा। प्रदेश में गरमाया ओबीसी आरक्षण विसंगति का प्रकरण, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हरीश चौधरी से मिले और विसंगति के मुद्दे पर दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई। हरीश चौधरी ने जहां अपना पक्ष रखा, क्योंकि विगत दिनों जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी इसको लेकर जाहिर भी की थी, तो ये मुलाकात जरूरी थी। मंत्री लालचंद कटारिया ने ये मुद्दा गहलोत कैबिनेट की बैठक के दौरान उठाया भी था। गत कैबिनेट की बैठक में चौधरी की दलीलों को ही कटारिया ने आगे रखा। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला होना था, कटारिया उस समय भी उसके पक्ष में थे, लालचंद सहमत थे उस दौरान भी हरीश चौधरी की बातों से, और यही वजह है कि कटारिया ने उन दलीलों का विरोध उस समय किया था जो कि ओबीसी आरक्षण की विसंगति को दूर करने के खिलाफ थी। कटारिया खुद भी नहीं चाहते थे कि डिफर्ड डाउन किया जाए, तो खासतौर पर ये बैठक आज जो दोनों के बीच में हुई, या फिर से डिस्कशन कह लीजिए जो कि लालचंद कटारिया और हरीश चौधरी के बीच में हुआ, महत्वपूर्ण, क्योंकि इस दौरान क्योंकि मुद्दा देखिए दोनों के पास में यही, और दोनों ही उसी मांग को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों के जरिए आज इस बैठक के दौरान भी ओबीसी से जुड़े हुए इसी मुद्दे पर दोनों के बीच एक लंबी बातचीत। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से बड़ी खबर के साथ, महापौर डॉक्टर सौम्या के कार्यभार ग्रहण करते ही नोटिस उन्हें आज मिला, क्योंकि कल डीएलबी की ओर से महापौर डॉक्टर सौम्या को नोटिस जारी हो गया था, ये नोटिस आज उन्हें कार्यभार ग्रहण करते ही रिसीव भी हो गया। डीएलबी की ओर से जारी किए गए नोटिस को लेकर पहुंचा एक कांस्टेबल, जब ये कांस्टेबल वहां पर पहुंचे तो महापौर डॉक्टर सौम्या ने नोटिस पर अपनी रिसीविंग भी दर्ज करा दी, यानी कि 18 नवंबर तक इसके बाद महापौर डॉक्टर सौम्या को नोटिस का जवाब पेश करना। कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित होगा कार्निवल, प्रतापनगर की जयपुर चौपाटी पर ये कार्निवल आयोजित होगा, ये अच्छी पहल। कल बाल दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्निवल खास तौर पर कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित किया जाएगा प्रतापनगर चौपाटी पर। इस कार्यक्रम में कैंसर पीड़ित लगभग 100 बच्चे मौजूद रहेंगे। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इस पर बात करते हुए बताया कि इस आयोजन के जरिए ये संदेश, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। बीएमसीएच के कैंसर केयर प्रकोष्ठ की संरक्षिका सुनीता गहलोत भी इस दौरान, इस कार्निवल के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगी। ट्रस्टी अनिला कोठारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इस दौरान बच्चों के लिए लाइव बैंड और मजिशियन की आकर्षक प्रस्तुतियां होंगी। बच्चों के स्वागत के लिए चौपाटी को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया भी जाएगा। अब ठेकेदारों की मनमानी पर अंकुश लगाएगा जलदाय विभाग, जलदाय विभाग के विभिन्न परियोजनाओं को गति मिलेगी और लागत इससे कम होगी। डीआई पाइप के विकल्प के तौर पर काम में इसे लिया जाएगा। पीवीसी, ओ पाइप, डीआई पाइप निर्माता कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। डीआई पाइप निर्माता कंपनियों की ओली गोपोली को भी रोका जा सकेगा, क्योंकि कंपनियों के द्वारा मनमानी रेट्स बढ़ाने से जलदाय विभाग का एक्शन भी बढ़ जाएगा। अब पीवीसी ओ पाइप का उपयोग प्रदेश में किया जाएगा, क्योंकि पीवीसी ओ पाइप का उपयोग इससे पहले मध्य प्रदेश में किया जा रहा था, महाराष्ट्र में किया जा रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु में भी इसी पाइप का यूज किया जा रहा है। डीआई के मुकाबले पीवीसी ओ पाइप का वजन करीब 50% कम है और ट्रांसपोर्टेशन एवं हैंडलिंग भी आसान होती है। कीमत भी डीआई पाइप के मुकाबले करीब 30-50% तक कम है। विभिन्न परियोजनाओं की लागत में इससे कमी आएगी और राज्य सरकार के करोड़ों रुपए की बचत भी इसके यूज के बाद हो पाएगी। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी की रिपोर्ट अब आपको बता देते हैं। बाघ विहीन हो चले सरिस्का में, अब खूब सुनाई देने वाली है वनराज की दहाड़। गांव विस्थापन ने बदली सरिस्का में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की पूरी फिजा। डाबली पानी की ढाल से ग्रामीणों के विस्थापन के बाद यहां पर एक सघन जंगल विकसित किया जा रहा है। दो बाघिन और एक बाघ का यहाँ पर नियमित विचरण भी हो रहा है और बदलते सरिस्का में आज बतौर मेंटर नजर आए डॉक्टर पांडे। गांव स्थापन में एफटीआरएन मीना की मेहनत को उन्होंने जमकर इस दौरान सराहा भी।
लॉस गांव का दौरा किया है। यहां से 90% परिवारों का विस्थापन हो चुका है और एक पखवाड़े के भीतर अंदर शेष जितने भी गांव हैं उन्हें भी विस्थापित किया जाएगा। गांव विस्थापन के साथ ही बाघों की आबादी में भी इजाफा होगा। खुद डॉक्टर पांडे ने आज ग्रामीणों की आधुनिक समाज से तारतम्यता के लिए शिक्षा दी। स्वास्थ्य और मानव सभ्यता को बचाने के लिए वन के महत्व की जानकारी भी आज उनकी ओर से दी गई।